फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है करंट अफेयर्स 2016 सितंबर सेकेंड वीक के अंदर जो हुआ सितंबर के अंदर, उसको हम कवर करने वाले हैं हिंदी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो होगा वी विल कवर अप इट इन इंग्लिश, राइट नाउ हम इसको हिंदी में कवर कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है वाईफाई स्टडी ऐप। आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके टेस्ट और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा बोथ द फॉर्मेट्स में, जैसे हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और हेल्प करें आपके वीडियोज़ में, आपको और कंटेंट अवेलेबल कराने में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर या फिर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@wifistudy.com पे। फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई करंट अफेयर मैगजीन चाहिए हार्ड कॉपी के अंदर आपके घर के ऊपर, ओके, तो अगर आप एक महीने की अगर आप करंट अफेयर मैगजीन ऑर्डर करेंगे तो आप 30 रुपीज में उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा की करंट अफेयर मैगजीन ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और आपको ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ 162 रुपीज़ के अंदर 6 मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन विथआउट एनी डिलीवरी चार्जेस। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स सबसे पहले इंटरनेशनल सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन नेशनल देखेंगे कि नेशनल न्यूज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ट्रेड एंड बैंकिंग, उसके बाद में स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे सेक्शन अपन धीरे धीरे कवर अप करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सेक्शन सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर में दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ। दुनिया में सबसे ज्यादा अनइक्वलिटी कौन से देश के अंदर है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ के टर्म्स के अंदर। तो आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी जापान, सी रशिया, डी ऑस्ट्रेलिया एंड ई नन ऑफ दीज। तो आपके 5 ऑप्शन है, आपको इसमें से एक पिक करना है। और सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ने के बाद में आपको इसके रिलेटेड टॉपिक जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। इंडिया सेकंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री ग्लोबली आफ्टर रशिया व्हाइल जापान मोस्ट इक्वल। यानी कि इंडिया दुनिया में सेकंड सबसे अनइक्वल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और रशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा अनइक्वल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और जापान सबसे ज़्यादा इक्वल कंट्री है। ओके, सो आपका आंसर हुआ रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा अनइक्वल कंट्री है, ये फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, ओके, और जापान सबसे लास्ट है, जापान सबसे ज्यादा इक्वल कंट्री है। तो रशिया, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया विथ मिलेनियल्स कंट्रोलिंग मोर देन हाफ ऑफ इट्स टोटल वेल्थ। इंडिया के अंदर जो 50% टोटल वेल्थ है वो सिर्फ कुछ मिलेनियल लोगों के पास में ही है और रशिया में ऐसे 62% है। ओके, तो रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्री है। सेकंड देखते हैं, द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन से दिन में को ऑब्जर्व किया जाता है। आपका पहला है ऑप्शन ए 8 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 9 सितंबर एंड डी 6 सितंबर एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कितनी तारीख को आता है, 8 सितंबर को आता है, यानी कि आपका आंसर हुआ ए। The world celebrated 50 International Literacy Day on 8 September 2016 under the theme Reading the Past, Writing the Future. The event was first celebrated in 1966 when the UNESCO officially proclaimed September 8 as the International Literacy Day. तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 September को आता है। India Greece signed MOU for Air Services Agreement. India और Greece ने Air Services के ऊपर एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है। ओके, तो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी जनरल आपके न्यूज़ का एक कंटेंट है ये। फिर देखेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको एशियन का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन से ए कुआलालंपुर, बी जकार्ता, सी हैनोई, डी नेपिथो एंड ई नन ऑफ दीज। सो देखेंगे न्यूज, एशियन समिट 2016 कंक्लूड इन द वियेंटाइन लायोस। तो लायोस की कैपिटल है वियेंटाइन, वहां पे एशियन समिट हुआ 2016। ओके,
तो 28 एंड 29 एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कंक्लूडेड ऑन 8 सितंबर एट द वियेंटाइन लायोस. द थीम फॉर द 2016 समिट वाज टर्निंग विजन टू द रियलिटी फॉर अ डायनामिक एशियन कम्युनिटी. 1967 में ये एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्टेब्लिश हुई थी. इसके 5 फाउंडिंग मेंबर हैं और उसके बाद में बाकी मेंबर ने इनको इसको ज्वाइन किया. इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता के अंदर और रोड्रिगो इसके करंट चेयरपर्सन थे. तो इसका हेडक्वार्टर हुआ जकार्ता, यानी कि आपका आंसर हुआ बी, जकार्ता आपका आंसर है. ओके, तो इस कंटेंट में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपको एक तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है जो कि जकार्ता में है. सेकेंड, ये हुआ कहाँ पर है, 2016 कहाँ हुआ है, वियेंटाइन में हुआ है. तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है. और इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियन का, ये भी ध्यान रखना है. हु हैज टॉप्ड फॉर्च्यून मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट. फॉर्च्यून की मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट के अंदर किसने टॉप किया है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा नूरी, बी मार्लिन हैंसन, सी मैरी बारा, डी शैली सैंडबर्ग एंड इन वन ऑफ दीज. सो न्यूज देखेंगे, पेप्सिको इंदिरा नूरी ओनली इंडियन ओरिजिन वुमेन फॉर्च्यून लिस्ट. सो पेप्सिको की जो सीईओ है इंदिरा नूरी, वो ओनली ऐसी पर्सन है जो कि जिन्होंने फॉर्च्यून लिस्ट के अंदर इंडियन ओरिजिन लिस्ट में के अंदर उनका नाम आया 51 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट के अंदर. ओके, और इसको इसको टॉप किया है मैरी बारा जो कि सीईओ और चेयरपर्सन है किसकी, जनरल मोटर्स की, जनरल मोटर्स की जीएम की. यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी, मैरी बारा इज द सीईओ एंड द चेयरपर्सन ऑफ जनरल मोटर. और जन न्यूरी है इंदिरा नूरी, वो सेकंड आई है इस लिस्ट के अंदर जो कि 2015 में भी थी और 2014 में थर्ड रैंक के ऊपर थी. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन यूएस आर्मी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए गरुड़ा, बी सूर्य किरण, सी अस्त्रा एंड डी युद्ध अभ्यास एंड इन वन ऑफ दीज. तो न्यूज देखेंगे, ज्वाइंट इंडियन यूएस आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2016 टू बिगेन इन द उत्तराखंड. यानी कि जो इंडियन यूएस की जो आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास. यानी कि आपका आंसर हो जाता है डी, युद्ध अभ्यास. सूर्य किरण जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है इंडिया और नेपाल की, इंडो नेपाल. और गरुड़ा जो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है मिलिट्री, वो है इंडिया और इंडोनेशिया की. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि गरुड़ा है इंडिया इंडोनेशिया, सूर्यकरण है इंडिया नेपाल, युद्ध अभ्यास है इंडिया और यूएस. एनडी और सीडीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक आई ऑपरेशन वॉज परफॉर्म्ड इन विच कंट्री. वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक आई ऑपरेशन वॉज परफॉर्म्ड इन विच कंट्री. पहले रोबोट के आई ऑपरेशन कौन से देश में अभी हुआ है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है जापान, सी है यूएसए, डी है कनाडा एंड ई है नन ऑफ दीज. सो वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक आई ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन ब्रिटेन. तो आपका आंसर है ब्रिटेन, ब्रिटेन में पहला आई ऑपरेशन किया गया रोबोट का. तो आपका आंसर है ए ब्रिटेन. ब्रिटिश सर्जन कैरियर आउट द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक ऑपरेशन इन साइड द आई पोटेंशियली revolutioning the way vision conditions are treated. Next, how many Indian women are in the Fortune list of 50 most powerful women based outside the US? कितनी भारतीय वुमेन को Fortune 50 की लिस्ट में के अंदर नाम आया है जो कि US के अलावा ये लिस्ट है. इसके अंदर US की जो नाम है उनको include नहीं किया गया है. उसके अलावा US के अलावा बाहर के जो देश हैं उनको इंक्लूड किया गया है, उन वुमेन को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर. भारतीय कितने वुमेन को ऐड किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 5, बी है 2, सी है 3, डी है 7 एंड ई है नन ऑफ दीज. सो न्यूज देखेंगे, भट्टाचार्य अरुंधति भट्टाचार्य कोचर अमोंग मोस्ट पावरफुल वुमेन आउटसाइड यूएस. यानी कि यूएस के आउटसाइड इंदिरा नूरी के अलावा अरुंधति भट्टाचार्य जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन चीफ है एसबीआई की, इसके अलावा आईसीसीआई हेड चंदा कोचर का नाम है और साथ में एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा का नाम है. यानी कि जो तीन फीमेल है जो कि इंडियन है उनका नाम इसमें ऐड किया गया है, अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर
एंड शिखा शर्मा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाता है थ्री, थ्री इसका आंसर है। इन सबको इसके अंदर एड ऑन किया गया है और इसको जो लिस्ट है इसको टॉप किया है बैनो सैंडोर्स ने, जो कि एना मोंटिन, बॉस ऑफ एना मोंटिन, ओके, बैंसो बैंसो को ने इसको टॉप किया है। अब देखेंगे नेशनल न्यूज, सबसे पहले अपन ने इंटरनेशनल न्यूज कवर अप करी, जो भी 2 सितंबर में अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी इवेंट हुए हैं अपन ने उसको कवर अप किया। अब देखेंगे नेशनल न्यूज, नेम द एडवांस वेदर सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से अभी रिसेंटली एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा, उसका नाम बताइए। आपका ऑप्शन है ए इनसेट 3WD, बी इनसेट 4A, सी इनसेट 3DR और डी ऑप्शन इनसेट 4E, एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, इसरो लॉन्च एडवांस वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DR, तो इनसेट ने जो लॉन्च करी है वेदर सैटेलाइट उसका नाम है इनसेट 3DR, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी इनसेट 3DR, ओके। तो ये एक वेदर सैटेलाइट है इनसेट, मैंने आपको पहले ही बताया है पहले के वीडियोज में भी कि इसरो के दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक होता है इनसेट और एक होता है IRS, ओके। तो इन्होंने इनसेट 3DR लॉन्च करी है जो कि एक वेदर सैटेलाइट है और ये होती है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके, बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर काम करती है सैटेलाइट। नेक्स्ट देखेंगे, GST बिल गेट नोट बाय द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जो बिल है इसको प्रणब मुखर्जी की के साइन, आपके जो राष्ट्रपति हैं अपने जो राष्ट्रपति हैं इनके साइन मिल गए हैं। द लेजिस्लेचर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल GST एज बिकेम ए लॉ। जब भी मैंने आपको पहले ही वीडियो जो बताया, जब भी प्रेसिडेंट के साइन होंगे एक कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट तभी होगा तब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। पहले ये बिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, फिर वहां से पास होने के बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये बनेगा लॉ या इसको बोलेंगे एक्ट, ओके। और इसको इस बिल को पास कराने के लिए 50% स्टेट के भी पास स्टेट है उनको एग्री करना भी जरूरी था, उन लोगों ने एग्री कर लिया, उसके बाद में प्रेसिडेंट के इसके ऊपर साइन हुए हैं और अब ये बिल एक लॉ बन चुका है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2016 बिगेन इन विच सिटी। जो फर्स्ट एडिशन हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग इंडिया कांग्रेस का वो कौन सिटी में हुआ है। ऑप्शन है आपके ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी कोलकाता एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2016 बिगेन इन बेंगलुरु, तो ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है, ओके। और इसका एम क्या है, टू ब्रिंग टूगेदर की शेयर होल्डर्स अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड वर्टिकल टू कोलैबोरेट आइडिएट एंड शेयर अ कॉमन रोड मैप फॉर IoT इम्प्लीमेंटेशन, ओके। तो ये हुआ है बेंगलुरु में, आपका आंसर हो जाता है बी बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड मंजुली गेट डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। सभी को पता होगा दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है या किसी रिवर के अंदर, या किसी रिवर के अंदर जो आइलैंड है उसका नाम है मंजुली आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये आसाम के अंदर है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, इसके का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है और इसके अंदर यहाँ पर नियर बाय 1.5 लाख की पॉपुलेशन भी है। अब उनको एक डिस्ट्रिक्ट की उपाधि मिल गई है, डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिल गया है, ओके। ये 400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ब्रह्मपुत्र के ऊपर है और इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया है। विच इज द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इन प्लेन कैटेगरी। दो तरह की कैटेगरीज हैं जो कि प्लेन क्लीन के मामले में, एक तो प्लेन्स के और एक हिल्स के, ओके। तो प्लेन वाली कैटेगरी के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा साफ है। ऑप्शन आपके ए मंडी, बी सूरत, सी धर्मशाला, डी सिंधुदुर्ग एंड ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, मंडी एंड सिंधु दुर्ग फाउंड टू बी द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो मंडी जो है इसको हिल्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्लीन बताया गया है और सिंधुगढ़ को प्लेन की कैटेगरी में बताया गया है, तो आपका आंसर हो जाता है डी
ओके, अकॉर्डिंग टू द NSSO नेशनल स्टैटिक्स सर्वे ऑफ कॉर्पोरेशन सर्वे ऑफिस विच इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया, NSSO के अकॉर्डिंगली कौन सा क्लीन सबसे साफ राज्य है भारत के अंदर? ऑप्शन है आपके ए सिक्किम, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र एंड इन एन ऑफ दीज। ओके, देखिए स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड जो भी कैंपेनिंग है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे क्लीन स्टेट कौन सा है, सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र, इन एन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, सिक्किम क्लीनेस्ट एंड झारखंड वर्स्ट शोज NSSO। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने बताया है कि सिक्किम सबसे साफ राज्य है और झारखंड सबसे गंदा राज्य है। तो आपका आंसर हो जाता है ए सिक्किम सबसे क्लीन। गवर्नमेंट हैज अप्रूव सब्सिडाइज चॉपर सर्विस फॉर विच टू स्टेट। अभी रिसेंटली सब्सिडाइज चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर वाली सर्विस दो स्टेट को अवेलेबल करवाई गई है। कौन से दो स्टेट है? ए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर सिक्किम एंड डी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड ई नन ऑफ दीज। तो जे एन के अप्रूव सब्सिडाइज चॉपर सर्विस फॉर जे एन के एंड हिमाचल, जे एन के और हिमाचल को ये चॉपर सर्विस अवेलेबल करवाई गई है। तो यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए। ओके, और ये अवेलेबल करवाई गई है चॉपर क्योंकि जो इनएक्सेबल डेस्टिनेशन है जहां पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है वहां पे पहुंच जाए, इसके वजह से हिमाचल और जे एन के बीच में सर्विस को चालू किया गया है। ओके, विच स्टेट हैज लॉन्च CM स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल्स? कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है स्कीम चीफ मिनिस्टर स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल्स के लिए? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, हरियाणा, जे एन के एंड इन एन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, महबूबा लॉन्चेस CM स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल्स इन जे एन के, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है CM स्कूटी स्कीम। तो आपका आंसर हो जाता है डी। What is the name of the offshore patrolling recently handed over to Indian Coast Guard? Offshore patrolling के लिए कौन सी जो offshore patrolling के लिए कौन सा vehicle recently available करवाया गया Indian Coast Guard को, उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए है रक्षक, बी नौका, सी सारथी, डी रथ एंड इन एन ऑफ दीज। सो न्यूज देखिए, राजनाथ सिंह कमीशन offshore patrolling vessel सारथी इन गोवा। सारथी नामक offshore patrolling vessel दी गई है इंडियन कोस्ट गार्ड को, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी सारथी। रिसेंटली नेशनल आरोग्य फेयर वॉज लॉन्च इन विच सिटी? अभी रिसेंटली आरोग्य नाम का नेशनल फेयर कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया? आपका ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी बेंगलुरु एंड इन एन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, सेंटर इनॉग्रेट्स नेशनल आरोग्य फेयर इन बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु में ये स्कीम लॉन्च करी गई, ये फेयर लॉन्च किया गया, यानी कि आपका आंसर हो जाता है डी। ओके, और इसके प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है? तो प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड होम्योपैथी आउटसाइड ब्रिक वेलनेस वर्कशॉप। तो भारतीय जो तरीके हैं होम्योपैथी के मेडिसिन के उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए ये आरोग्य फेयर लॉन्च किया गया। और इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक आयुष नाम की मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जिसके अंदर काफी सारे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और इन सभी को प्रमोट किया जा रहा है। विच टोल फ्री नंबर हैज बीन लॉन्च फॉर पोस्टल कंप्लेंट्स? पोस्टल कंप्लेंट करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है 1401, बी 1924, सी 1968 एंड डी 1124 एंड इन एन ऑफ दीज। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये आपके पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे। और आपका आंसर जो है वो है 1924 बी। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ रशिया एंड इंडिया वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया और रशिया की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है कौन सी सिटी में हुई है? ऑप्शन से ये न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड इन एन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, फोर्थ रशिया एंड इंडिया वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, और यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जैसे केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस एंड द इश्यू फॉर फैसिलिटिंग द प्रोजेक्ट्स, इनके ऊपर इसमें काम किया गया है। तो आपका आंसर है ए। रशिया और इंडिया की मीटिंग ग्रुप कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। Which state has recently inaugurated its Pradhan Mantri Jan Aushadhi Store? कौन से स्टेट ने प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर का इनोग्रेशन किया है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश,
सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश एंड इन वन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट प्रधानमंत्री अशोक जी स्टोर इनोग्रेटेड, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का आंसर है जो कि बी आपका आंसर है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर लागू स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एडिशनल गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के किनको बनाए गए हैं? ऑप्शन ए शानमुगंथम, बी ज्योति प्रसाद राजगोवा, सी मृदुला सिन्हा, डी कप्तान सिंह सोलंकी एंड इन ऑफ दीज। सो अरुणाचल गवर्नर ज्योति प्रसाद राजगोवा सैक्ड, यानी कि ज्योति प्रसाद राजगोवा को हटाया गया है और जो एडिशनल चार्ज दिया है वो मेघालय के गवर्नर को दिया है जिनका नाम है शानमुगंथम जी को ये दिया गया, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए, ये अभी मेघालय के भी गवर्नर है। नेक्स्ट देखें, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड द हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। कौन से डेट में हिंदी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसको रिकॉग्नाइज किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो न्यू आपके ऑप्शन है ए 14 सितंबर 1949, बी 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1950 एंड 14 सितंबर 1969 एंड इन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, हिंदी दिवस बींग सेलिब्रेटेड थ्रू आउट कंट्री टूडे, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया और 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि आपका आंसर हो जाता है ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने वाले पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी इज होस्टिंग थर्ड ब्रिक अर्बनाइजेशन फोरम मीटिंग। कौन सी सिटी ने होस्ट किया है थर्ड ब्रिक, यानी कि जो पांच देशों का समूह है ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसकी अर्बनाइजेशन फोरम मीटिंग कौन सी सिटी में हुई है? आपके ऑप्शन से ए न्यू दिल्ली, बी भोपाल, सी विशाखापट्टनम, डी बेंगलुरु एंड इन वन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, थर्ड ब्रिक अर्बनाइजेशन फोरम मीटिंग बिगेन्स इन विशाखापट्टनम, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी, विशाखापट्टनम में ब्रिक अर्बनाइजेशन मीटिंग हुई है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 100% बिजली पहुंच गई है पूरे एरिया में, पूरे स्टेट में, और या फिर उनको 100% बिजली मिल रही है पूरे स्टेट के अंदर? तो ऐसा कौन सा ऐसा स्टेट है? तो आपके ऑप्शन से ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश, इन वन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, आंध्र प्रदेश बिकेम सेकेंड स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो आंध्र प्रदेश सेकेंड ऐसा राज्य है जिसके अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और पहला जो राज्य है वो है गुजरात टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड एट द लेटेस्ट रिपोर्ट एट सेड। ओके, जीएम फाइनेंसिस पब्लिश द रिपोर्ट बेस्ड ऑन द नेशनल लेवल सर्वे ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन द वेरियस स्टेट, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी, गुजरात पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश सेकेंड ऐसा राज्य है जहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप स्कीम। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अभी अभी स्टार्टअप स्कीम लॉन्च करी है? ये पेपर, ये आपके जो पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टअप स्कीम कई सारे स्टेट ने लॉन्च कर रखी है। तो अभी रिसेंटली जो किया है वो किया है छत्तीसगढ़ ने, रमन सिंह जी के ने इसको इनॉग्रेशन किया है इसकी स्कीम का, तो यानी कि छत्तीसगढ़ ने ये किया है। अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग। फ्रेंड्स, ये आपके लिए IBPS और बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, तो अगर कोई बैंक के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहला देखेंगे न्यूज, RBI कैंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ 5 NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है उनके 5 कंपनी का सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, और ये कंपनी का नाम या फिर बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये न्यूज़ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए बताई गई है। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए क्वेश्चन, और न्यूज और आपके ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी ICICI बैंक, सी SBI एंड डी HDFC बैंक एंड इन वन ऑफ दीज। सो ICICI बैंक इंट्रोड्यूसेस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स, यानी कि ICICI बैंक है जिसने ये स्कीम लॉन्च करी है, सॉफ्टवेयर रोबोटिक लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाता है बी, सॉफ्टवेयर
रोबोटिक लॉन्च करने वाला ICICI बैंक है, और इसकी हेल्प से जो रेस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी बैंक की प्रोडक्टिविटी एंड इफिशेंसी, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। विच स्टेट हैज साइंड MOU विद सिंगापुर फॉर स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप? सिंगापुर के साथ में कौन से स्टेट ने MOU किया है स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने के लिए? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, HP हिमाचल प्रदेश सिंगापुर साइन MOU फॉर स्मार्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप, यानी कि हिमाचल प्रदेश और सिंगापुर के बीच में टाइप हुआ है, तो आपका आंसर हो जाता है डी हिमाचल प्रदेश। पतंजलि हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए मेगा फूड पार्क इन विच सिटी? कौन सी सिटी के अंदर पतंजलि ने रिसेंटली अपना एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नागपुर, बी हैदराबाद, सी चंडीगढ़ एंड डी देहरादून एंड ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, पतंजलि लॉन्चेस मेगा फूड पार्क एट नागपुर इंडस्ट्रियल हब, यानी कि नागपुर में इसको लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर हो जाता है ए ये बहुत ही बड़ा एक फूड पार्क है जो कि 230 एकड़ के अंदर लॉन्च किया गया है और यहाँ पे 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। SBI PNB Paytm टू इश्यू ई टोल टैक्स फॉर व्हीकल्स, अब क्या होगा? एमिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑटोमेटिक पास थ्रू एट द टोल प्लाजा टू 50% इन द 2 ईयर्स। ये जो 50% एम है गवर्नमेंट का कि जो टोल प्लाजा के जो टिकट्स हैं वो आप ऑनलाइन परचेज कर ऑटोमेटिक पास हो जाए, ऑटोमेटिक पास उनको प्रोवाइड किया जाए लोगों को, ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाए जो आपके टोल प्लाजा पे रुकने के लिए। तो इसको SBI PNB और Paytm ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है। ओके, विच कंपनी हैज इनॉग्रेटेड टू अक्वायर सैमसंग प्रिंटर बिजनेस? कौन सी कंपनी ने अक्वायर किया है अभी सैमसंग प्रिंटर बिजनेस को? आपके ऑप्शन है HP हिंदुस्तान प्रिंट, HP हूलेट एंड पैकर्ड, बी जेरोक्स, सी पैनासोनिक, डी कैनन एंड ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, HP टू अक्वायर सैमसंग प्रिंटर बिजनेस फॉर 1.05 बिलियन डॉलर्स, यानी कि HP वो कंपनी है जिसने सैमसंग प्रिंटर बिजनेस को खरीद लिया है, अक्वायर कर लिया है। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है ए HP। HP के फुल फॉर्म है ह्यूलेट एंड पैकर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, PayU अक्वायर सिट्रस पे फॉर 1.130 मिलियन डॉलर्स। PayU ने, भारतीय कंपनी है बिजनेस एक पेमेंट टेक्नोलॉजी की, सिट्रस पे उसको खरीद लिया है और अक्वायर कर लिया है उसको 130 मिलियन डॉलर के अंदर। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि PayU ने खरीदा है सिट्रस को। नाउ अपॉइंटमेंट्स, अब देखते हैं भारत के अंदर या दुनिया के अंदर कौन से बड़े इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सतबीर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सतबीर सिंह को कौन से नेशन का एम्बेसडर बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे अपने एम्बेसडर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट देशों के अंदर हैं। ओके, लेकिन जो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर है उसके अंदर सतबीर सिंह को अपॉइंट किया गया है अल्जीरिया के, अल्जीरिया के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। CK असनानी अज्यूम चार्ज एज CMD ऑफ द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। CK असनानी जी को चार्ज दिया गया है CMD का यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जयंत परुषोत्तम गोखले हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? जयंत परुषोत्तम गोखले जी को कौन से बैंक का डायरेक्टर बनाया गया है? ऑप्शन ए है कॉरपोरेशन, बी विजया, सी सिंडिकेट, डी आंध्रा एंड ई नन ऑफ दीज। तो सिंडिकेट बैंक अपॉइंट्स डायरेक्टर, यानी कि सिंडिकेट बैंक ने अपॉइंट किया है डायरेक्टर गोखले जी को। आपका आंसर होता है सी सिंडिकेट बैंक। बाक्सरिजेन सेंगिथेयो अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सेंगिथेयो को अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्ट्री कौन से देश का? आपके ऑप्शन से ए कजाकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी अफगानिस्तान एंड ई नन ऑफ दीन। सो बाक्सरिजेन सेंगिथेयो अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, तो उनको कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, तो आपका आंसर रहता है बी कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखें, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए ब्रांड एम्बेसडर समाजवादी पेंशन योजना?
देखिए, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले ये वाला क्वेश्चन और आने वाला एक और क्वेश्चन। ओके, तब और ये जो क्वेश्चन है वो है कि समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। आपके ऑप्शन से ए माधुरी दीक्षित, बी हेमा मालिनी, सी विद्या बालन, डी शिल्पा शेट्टी एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, विद्या बालन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी पेंशन योजना। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को अपॉइंट किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द समाजवादी पेंशन योजना। ओके, तो आपका आंसर हो जाता है सी विद्या बालन। अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं कोई, तभी आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच हैज बीन अपॉइंटेड एज ए स्वच्छ भारत अभियान मैस्कॉट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान मैस्कॉट जो है वो किनको बनाया गया, ये क्वेश्चन आपके सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी राज्य के या सेंटर के सभी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन से अहिल्या बाई, बी लता बाई, कुंवर बाई, ललिता देवी एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, 105 ईयर ओल्ड कुंवर बाई मेट स्वच्छ भारत अभियान मैस्कॉट, जिन्होंने टॉयलेट बिल्ड किया है अपने गोट्स को सेल करके, अपने गाय बकरियों को सेल करके जो पैसा मिला उससे इन्होंने टॉयलेट बिल्ड किया था अपने गाँव के अंदर, इसीलिए उनको बनाया गया है मैस्कॉट, स्वच्छ भारत अभियान का मैस्कॉट। तो आपका आंसर हो जाता है सी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सीएमडी ऑफ द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का किनको बनाया गया है। ऑप्शन से आलोक कुमार शर्मा, बी अनूप कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, अनूप कुमार शर्मा न्यू सीएमडी ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन और इनको 3 साल के लिए बनाया गया है। तो आपका आंसर आता है बी अनूप कुमार शर्मा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी किसान बीमा योजना, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली फॉर द यूपी यूपी उत्तर प्रदेश कैंडिडेट के लिए ही, उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहा है तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी किसान बीमा योजना किनको बनाया गया है। ए विद्या बालन, मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी फार्मर स्कीम। तो आपका आंसर हो जाता है डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखेंगे अवार्ड्स, विच बैंक हैज रिसेंटली कंफर्ड विद द डून एंड द ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016। डून एंड द ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड कौन से बैंक को मिला है 2016 का। ऑप्शन ए यूको बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड इन ऑफ दीज। सो न्यूज देखें, केनरा बैंक कन्फर्ड विद द डून एंड द ब्रैडशीट बैंकिंग अवार्ड 2016। ओके, तो आपका आंसर आता है केनरा बैंक। और केनरा बैंक एक इंडियन स्टेट ओन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर। इन 1906 को स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। विच फिल्म हैज वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सबसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड कौन सी फिल्म मूवी को दिया गया। ऑप्शन ए वन मैन वन मोर टाइम विथ फीलिंग, नो नॉक्टोरियन एनिमल, सी हैक्सो रिज, डी द वुमन हु लेफ्ट एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, फिलिपिनो रेवेंज ड्रामा विन बेस्ट पिक्चर एट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। और यहाँ पे कौन सी फिल्म, एक फिलिपिनियन मूवी है द वुमेन हु लेफ्ट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ड्रामा बाय डायरेक्टर लैन डायस हैज वॉन द गोल्डन लायन फॉर द बेस्ट फिल्म एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल। ओके, तो द वुमेन हु लेफ्ट को मिला गया है ये अवार्ड। आपका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन गुरु केलुचरण मुहापत्रा अवार्ड 2016 फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। गुरु कालूचरण मोहपत्रा अवार्ड 2016 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है। आपका ऑप्शन है झाराना दास, बी किशोर कुमार मोहंती, मधु स्मिता मोहंती एंड ऑल द अबाव एंड बोथ ई ऑप्शन है ए एंड बी। तो न्यूज देखेंगे, गुरु कालूचरण केलूचरण मोहपत्रा अवार्ड प्रेजेंटेड और ये दिया गया है झाराना दास को सिनेमा के लिए और गुरु किशोर कुमार मोहंती को उड़ीसा के उड़ीसी के लिए। ओके, तो आपका आंसर आता है ई बोथ ए एंड बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन पैंखोर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया? पैंखोर डायलॉग अवार्ड मलेशिया में किनको मिला है? ऑप्शन ए पवन चामलिंग, बी लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सी टी आर जेलिंग, बी खेमा कार्डू एंड इन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, टी आर जेलिंग रिसीव पैंखोर डायलॉग अवार्ड इन मलेशिया। ये नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है जेलिंग, इनको ये पैंखोर डायलॉग अवार्ड दिया गया है मलेशिया के अंदर टू फॉर द अफोर्ड मेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। ओके, इन्वायरमेंटल के लिए इन्होंने काफी काम किया है, उसके लिए अवार्ड इनको दिया गया है। तो आपका आंसर होता है सी। विच स्टेट हैज वॉन 9th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2016? कौन से स्टेट ने 9th ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है 2016 का? ऑप्शन ए केरला, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका, ई नन ऑफ दीज। तो न्यूज देखेंगे, उड़ीसा बैग्स 9th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2016। तो यानी कि आपका आंसर है बी, उड़ीसा ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन अवार्डेड तमिल रत्ना रिसेंटली? तमिल रत्ना अवार्ड रिसेंटली किनको दिया गया है? आपका ऑप्शन ए है ऐश्वर्या धनुष, बी रजनीकांत, सी नारायण मूर्ति, डी सुब्रमण्यम स्वामी एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी वॉज अवार्डेड तमिल रत्ना इन US। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं और लॉयर हैं काफी बड़े, उनको ये अवार्ड दिया गया है अमेरिका के अंदर। ओके, तो अमेरिकन तमिल है एक संगम, उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया है टू वर्किंग फॉर द टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन एंड वर्किंग फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इस चीज को लेकर। तो आपका आंसर आता है डी, सुब्रमण्यम स्वामी। मुंबई बेस्ड राइटर विन FON साउथ एशिया शॉर्ट स्टोरी अवार्ड। तो मुंबई बेस्ड एक राइटर है मेघना पंत, उनको ये अवार्ड दिया गया है। FON का मतलब है फेलो ऑफ नेचर साउथ एशिया शॉर्ट स्टोरी अवार्ड, ये दिया गया है इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए। पीपल ऑफ द सन इनके नाम की शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए इनको दिया गया है। नाउ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में देखते हैं क्या हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन द मैन हाई जंप T42 इवेंट एट द रियो पैरा ओलंपिक्स? रियो पैरा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल किन्होंने जीता मैन हाई जंप इवेंट के अंदर, T42 इवेंट के अंदर? ऑप्शन ए वरुण सिंह भाटी, मैरियप्पन थंगावेलु, सी सैम ग्रीवे, डी निकोलस मारिन एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, रियो पैरा ओलंपिक्स मैरियप्पन थंगावेलु विन गोल्ड मेडल इन द मैन हाई जंप। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इनको गोल्ड मेडल मिला है, और ये आपका आंसर आता है मैरियप्पन बी। इस एक ही इवेंट के अंदर भारत को दो अवार्ड मिले हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला और एक गोल्ड मेडल भी मिला है। और भारती जो वरुण सिंह भारती है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, फोटो में आप दोनों को देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है और मैरियप्पन को गोल्ड मेडल मिला है। दीपा मलिक हैज वॉन ए सिल्वर मेडल एट द रियो पैरा ओलंपिक्स इन विच इवेंट? दीपा मलिक ने सिल्वर मेडल जो मिला है रियो पैरा ओलंपिक्स में, वो कौन से इवेंट में जीता है? ऑप्शन ए लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखिए, दीपा मलिक बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट द पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में दीपा मलिक पहली वुमेन है जिनको उन्होंने मेडल जीता है, और वो जीता है इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर, यानी कि आपका आंसर है सी, शॉर्ट पुट के अंदर। डूरन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरन कप बहुत ही फेमस है और दुनिया का सबसे थर्ड ओल्डेस्ट ये टूर्नामेंट है, कौन से स्पोर्ट्स का है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, डूरन कप आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी वॉलीबॉल, सी गोल्फ, डी फुटबॉल एंड ई नन ऑफ दीज। सो देखेंगे न्यूज, आर्मी ग्रीन बीट नैरोका FC टू विन डूरन कप, यानी कि आर्मी ग्रीन ने डूरन कप जीत लिया है नैरोका FC को हरा के। ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था इसका फाइनल, और ये फुटबॉल का इवेंट और इंडिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल इवेंट है, और ये पहली बार खेला गया था 1888 के अंदर। तो आपका आंसर है फुटबॉल डी, डूरन कप। हु हैज वॉन US ओपन 2016 वुमेन सिंगल टाइटल? सिंगल टाइटल वुमेन US ओपन किनको इन्होंने जीता है? ऑप्शन ए सरीना विलियम्स, बी समंथा स्टोलर, सी एंजेली क्यू कारबार एंड डी कैरोलिना प्लिस्कोवा एंड इन ऑफ दीज। सो वुमेन जो मैन कैटेगरी है, मैन कैटेगरी ने में वावा
वावरिका ने जीता है जिन्होंने जोकोविक को हराया, ओके। और फीमेल कैटेगरी के अंदर कार्बर ने जीता है, एंजेलिक्यू कार्बर जो कि जर्मनी की है, उन्होंने इसको जीता है, कारी लूना को हरा के जीता है, ओके। तो आपका आंसर आता है सी। और मैन कैटेगरी में वावरिका ने ये अवार्ड जीता है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन टू पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल, दो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल एक लगातार जीतने वाले कौन से भारतीय हैं? ऑप्शन ए विशाल सिंह भाटी, जोगिंदर सिंह भाटी, बेदी, सी मैरियप्पन थंगवेलु, डी देवेंद्र झांझरिया, एंड इन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झांझरिया विन गोल्ड एट द रियो पैरालंपिक्स, यानी कि जो जेवलिन है थ्रो करते हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं देवेंद्र, उन्होंने दो पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाता है देवेंद्र, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। विच इज द फॉलोइंग हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल द वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप को ओलंपिक के मेडल के बराबर ही माना जाता है मार्शल आर्ट के अंदर, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कौन सी महिला है? आपका ऑप्शन है सुनीता शाह, बी मालती राय, सुष्मिता राय, अनुराधा शर्मा, एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, सुष्मिता विन ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड मार्शल आर्ट मास्टरशिप, यानी कि सुष्मिता है राय ने ये अवार्ड जीता है, यानी कि आपका आंसर होता है सी सुष्मिता राय, इन्होंने ये कहाँ से, सिक्किम से बिलोंग करती है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर, ओके। विच टीम हैज वॉन दिलीप ट्रॉफी 2016? देखिए दिलीप ट्रॉफी और दुरन ट्रॉफी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और दुरन ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, तो दिलीप ट्रॉफी कौन से देश ने जीता है? ऑप्शन ए इंडिया रेड, ऑप्शन बी इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन, और डी इंडिया येलो, एंड ई नन ऑफ दीज। सो इंडिया ब्लू विन 2016-2017 दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट, इंडिया ब्लू ने ये टूर्नामेंट जीता है इस साल का, जिसके गौतम गंभीर जिसके कैप्टन थे, और इन्होंने हराया है इंडिया रेड को जिसके कैप्टन थे युवराज सिंह। अब देखेंगे बुक्स, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इन टू द हिडन वैली, इन टू द हिडन वैली नामक किताब किन्होंने लिखी है? ऑप्शन ए स्ट्रूट ब्लैकबर्न, बी रस्किन बॉन्ड, सी विक्रम सेठ, डी सलमान रुश्दी, एंड इन नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, स्ट्रूट ब्लैकबर्न बुक बेस्ड ऑन द अरुणाचल विन एमएम बेनेट अवार्ड, ओके। तो ये बुक जो लिखी है वो लिखी है स्ट्रूट ब्लैकबर्न ने, आपका आंसर हो जाता है ए। सेकेंड देखें, सिक्स मशीन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर, सिक्स मशीन नाम की जो बुक है वो कौन से क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है ए युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, ए बी डिविलियर्स, एंड डी क्रिस गेल, एंड ई नन ऑफ दीज। सो न्यूज देखेंगे, क्रिस गेल लॉन्चेज हिज ऑटोबायोग्राफी सिक्स मशीन इन इंडिया, तो ये आपका आंसर है क्रिस गेल डी, इन्होंने इंडिया में अपनी ऑटोबायोग्राफी है सिक्स मशीन इसको इनॉग्रेट किया है। सो फ्रेंड्स, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, जो कि आपके सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर के अंदर से निकलते हैं या फिर बन सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो बेस्ट ऑफ लक एंड होप आप अपने आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू।